Welcome to Thai News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. हुकूमत नए माली साल की 8487 अरब रुपये की मालियत वाली बजट पेश करे छी। नाणे वारे वजीर शौकत तरीन कौमी असेंबली में अपोजिशन के गोड़ दौरान बजट पेश कई। सरकारी मुलाजमन की पघार आई पेंशन में 10 सैकड़ों वाध जो ऐलान। मजदूर के घट में घट उजरत 20,000 रुपया माहवार मुकर्र। बजट खसारे जो काथो 3,990 अरब रुपया लगाए वो। नए माली साल की बजट में तरक्याती बजट जो हदफ 4.8 सैकड़ों मुकर्र। तरक्याती प्रोग्राम्स लाए रकम 40 सैकड़ों में बधाए 630 में 900 अरब रुपया कई वही। वफाकी खर्च में सैकड़ों वाद बाद काथो 8487 अरब रुपया लगाए वो। कोरोना एमरजेंसी फंड लाए 100 अरब रुपया मखसूस। एहसास प्रोग्राम लाए 260 अरब रुपया रखण की तजवीज़। बजट में वफाकी सालियानी तरक्याती बजट 33 सैकड़ों में बधाए 2,135 अरब रुपया करण जो ऐलान। रेवेन्यू उगाड़ी जो हदफ 7,909 अरब और FDR टैक्स उगाड़ी जो हदफ 5,829 अरब रुपया मुकर्र। गैर तरक्याती खर्चन जो काथो 7,523 अरब और कर्जन ते व्याज की अदायगी जो काथो 3,060 अरब रुपया लगाए वो। दिफाई बजट लाए 1,370 अरब और सिविल हुकूमत के खर्चन लाए 479 अरब रुपया मखसूस। नए माली साल की बजट में पुरते पियल इलाकन की तरक्की लाए खसूसी पैकेज में 100 अरब रुपया रखने की तजवीज। वफाकी सरकार तरफा पैकेज तहत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लाए 779 में बधाए 98 अरब रुपया देने जो ऐलान। सुप्रीम कोर्ट फंड्स में 125 अरब रुपया भी दिना वा। कराची में नालनी रस्तन की अदावत सूदो वाटर सप्लाई की फराहमी प्लान में शामिल। सिंध के 14 का वधिक जिलन लाए तरक्याती मनसूबन जो ऐलान। मनसूबे तहत 107 स्कीम्स लाए 444 अरब रुपया मखसूस। नाणे के वफाकी वजीर शौकत तरीन है तो मनसूबे तहत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक में बिजली आला तालीम फनी तालीम जन सूदो ज़री शोबे जो बदंदड़ घुर्जू पूरी कई वन। वफाकी बजट में ज़री शोबे में माकड़ के खात्मे सूदो बन मनसूबन लाए 12 अरब रुपया मखसूस। चावर कणक कपह कमंद दाल की पैदावार बढ़ाने लाए 2 अरब रुपया रखने जो ऐलान। जैतून की उपत बढ़ाने लाए 1 अरब रुपया रखने की तजवीज। मुल्क में पानी जो तहफ़ यकीनी बनाने लाए 91 अरब रुपया मखसूस। जियामीर भाषा डैम लाए 23 महमद डैम लाए 6 अरब रुपया रखने की सिफारिश। बिजली के शोबे लाए 118 अरब रुपया मखसूस। जामशोरो में कोयले में बिजली पैदा करण लाए 22 अरब रुपया रखने जो ऐलान। कराची में K1 और K2 मनसूबन सूदो। तरबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट में तौसील आए 16.5 अरब रुपया मखसूस। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमन और पेंशनर्स के रिलीफ। नाणे वारे वजीर शौकत तरीन है तो 1 जुलाई 2021 का समूरन मुलाजमन के 10 सैकड़ों एडॉक रिलीफ अलाउंस दिनों वो। पेंशनर्स की पेंशन में 10 सैकड़ों वाद कई वी। उर्दली अलाउंस 14,000 में बधाए 17,500 मुकर्र किया। ग्रेड 1 से 5 ताई के मुलाजमन की इंटीग्रेटेड अलाउंस के 450 में बधाए 900 किया। घट आमदनी वाले मानुन के महंगाई के दबाव का बचाने लाए घट में घट उजरत 20,000 रुपया रखी वही। वफाकी बजट में गाड़ियों से सेल्स टैक्स 17 सैकड़ों में घटाए 12.5 सैकड़ों मुकर्र। 850 सीसी की गाड़ियों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करण जो ऐलान। नाणे वारे वजीर शौकत तरीन मौजिब अग में तैयार थियल गाड़ियों तोड़े नए मॉडल्स वाली गाड़ियों से एडवांस कस्टम्स ड्यूटी का छूट दिनी पी वे। बजट में मकामी सतह से तैयार थन्द हैवी मोटरबाइक्स ट्रक ट्रैक्टर्स से टैक्स घटाए वो। बिजली से हलंदड़ गाड़ियों लाए 1 साल ताई ड्यूटी घटाई वही। हुकूमत जो पहिया बजट्स दुखियो हुई हाँ खुशहाली की बजट है। चवन हुस तो घबरा न पर सब घबराए पाया। वजीर आजम इमरान खान जो पार्लियामानी पार्टी के इजलास दौरान गालू। इमरान खान चो तो हुकूमत बजट बाबत IMF के पैं शर्तन से राजी करण में कामयाब हुई।
कौमी असेंबली में बजट इजलास शुरू थी नहीं। अपोजिशन जो गोड़ औरत मेंबर्स बैनर्स खड़ी ऐवान में पहुंचू। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी गड ऐवान पौता। हुकूमत से वास्तो रखंदड़ औरत मेंबर्स अपोजिशन के हथन में बैनर्स खसे फाड़े छा। वफाकी सरकारी मुलाजमन जो पघारों में बात लाए एहतजाज। मछरियल मुजाहरीन पाक सेक्रेटरीट के दर के बंद कर छो। पार्लियामेंट ना मार्च की कोशिश, पुलिस खेन रोके वरतो। मुलाजमन तरफा नए माली साल की बजट में महंगाई के हिसाब से पघारों में वाद जो मुतालबो। कराची में बिलावल हाउस मीडिया सेल में बाहे लगी वही। फायर ब्रिगेड जो गाड़ियों तलब। तर्जमान जो चवण है मीडिया हाउस की मॉनिटरिंग सेल में शॉर्ट सर्किट सब बाहे लगी है। अमले के बाहर करी बाहे विसाण जो कोशिशों कई पी वन। सेंसस भी नहीं हुआ, हिट से एनएफसी भी नहीं मिला, फिर से कहीं सिंध को ज्यादा हिस्सा न मिल जाए। तो वफाक की जो पॉलिसी है जिसको मैं माशी कत्ल के अलावा और कोई नाम दे नहीं सकता, सियासी कत्ल होते हुए हमने देखा, अब ये सूबे का कत्ल चल रहा है। हमें बताए बगैर 10 स्कीमों से 5 स्कीमें बिल्कुल पीएसटीपी के हिसाब किताब से भी निकाल दी, जलती हुई स्कीमें निकाल दी। हमने 17 स्कीमें भेजी वफाक में, 17 की 17 स्कीमों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इस पीएसडीपी पर हमने बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब और मैंने डिसेंटिंग नोट भी लिखा है और ये भी कहा है कि डिसेंटिंग नोट को आप एनईसी के डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाएं, हम रिकॉर्ड पे रहें। एनएफसी भी नहीं दे रहे हो और डेवलपमेंट भी हमारा हिस्सा तुम काट रहे हो। हमारी जिंदगी का सवाल है पानी और पानी पर कटो। हमने मुश्किल से एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई थी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। 2018 से जिनको भी नौकरी मिली थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको सबको नौकरी से निकाल दिया। ये वो तरीके जो इदारों पर कब्जा करने की ख्वाहिश में चलते हैं। सिंध के वधीक हिस्सो न दियण लाए न आदमशुमारी थी ए नई बीहर एनएफसी अवार्ड मिलो। पहीं सियासी कत्ल थी ना हुआ, हाँ सूबे जो कत्ल थी रो है। पीपल्स पार्टी बजट में सिंध के स्कीम्स में कटौती वाली वफाकी पॉलिसी के सूबे जो मुआशी कत्ल करार दी छो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो चयो है तो सिंध तरफा पेश कल 17 स्कीम्स के रदी की टोकरी में उछलो वो। हुकूमत के पीएसडीपी से सिंध के एतराज़न के रिकॉर्ड में रखो वे। बजट में सूबे से नाइंसाफी थी है, सिंध के पानी के हिस्से का भी महरूम रखो वो। तकरारी कैनाल्स खुलने खिलाफ़ सूबे में एहतजाज कराया पे वन। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी अगवाणन से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान निसार खोड़ो तो इंतहाई दुखियाई से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ठाही। 2018 का हेल टाई कमीशन पास कर मुलाजमन जो नौकरियों खत्म कई व्यू। अड़ा तरीका इदारों से कब्जो करने की ख्वाहिश तहत अख्तियार क्या वा। इरसा 15 अग पानी दियण की दावा कई पर अजा ताई पानी ना मिलो। पंजाब कोर्ट पूरी करण का पोए इजाफी पानी खी रो है। सिंध में अजा ताई 45.2 सैकड़ों खोट हली रही है। सिंध के आपाशी वजीर सोएलन मिर्सियाल है तो तकरारी टीपी ए सी जे कैनाल्स अजा ताई वही रहा है। पीटीआई सिंध जो पानी पंजाब का अगते वन नीदे, पानी गुडू ताई पहुंच ही को चोरी कें। बदीन थरपारकर में पीण के पानी की खोट पैदा की वही। पीटीआई सरकार सिंध से मुसलसिल ज्यादती कर रही है। पंजाब के आपाशी वजीर तरफा पानी की चोरी का पोए सिंध के वधीक पानी मिलने की दावा। मौसम लगारी चयो तो सिंध के हिंसर भी वधीक पानी दियण पैज रो है। गलत अंगखर जाहिर करे पंजाब के घट पानी दिनों वे तो। सिंध हुकूमत पानी की निगरानी लाए पैं नुमाइंदो मुकर्र कर नवाए थी। सिंध सरकार पानी बहरान के खात्मे लाए अज यौम दुआ मल्हाए पे वे। इबादतगाह ने दरगाहन में दुआ जो तकरीबू मुनक्कद। ज़रई पानी की खोट खिलाफ़ आबादगार सलापा एहतजाज पणत। मेहड़ में आबादगार जदोजहद कमेटी के सद से समय आबादगार जो रैली बाद धरणो। दौड़ में डोलू माइनर जहाँ आबादगार पानी खोट खिलाफ़ रोडन से निकली आया। अमर जी शाह पुल वट धरणो, ट्रैफिक मुअत्तल। रिश्वत न ॾियण ते पानी बंद करण जे अलज़ाम। बाढ़ा में आबादगार रैली कढ़ी आपाशी ऑफिस आरो धरणो हयो। कुबो सईद खान गाजी खुआवड़ में पानी खोट खिलाफ आबादगारों जो एहतजाजी मुजाहरों। पानी दियो जा नारा।
जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी वधीक ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। मलीर पुलिस सनान कुरैशी जो जिस्मानी रिमांड पूरो थियण बाद केस दहशतगर्दी टोड अदालत में पेश कयो। बहरिया टाउन आॾो धरणे बाद कांग्रेस क़यादत ख़िलाफ़ वधीक चार केस दाख़िल। FIR जो अंग भावी थी वियो। केसिस में डॉक्टर कादिर मक्सी, जलाल महमूद शाह, सनान कुरैशी, ख़ालिक चोणेजो ऐं ॿिया अॻवान नामज़द। FIR में दहशतगर्दी, भंडरा, पुरलोट ऐं हमले जा कलम शामिल। कराची समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 150 खां वधीक अॻवान ऐं कारकुन गिरफ़्तार थियल। क़ौमी कारकुननि ते केस ऐं गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो बि जारी। सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम आहे त कंहिं बि वाक़े जो हिकु केस दाख़िल कयो, पोइ बहरिया टाउन ऐं सिंध हुकूमत कहिड़े कानून तहत बहरिया टाउन वाक़े जा 22 केस दाख़िल कराया आहिनि। बहरिया टाउन आॾो एहतजाज बाद कांग्रेस क़यादत ख़िलाफ़ 22 केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ वकीलनि जो सिंध हाई कोर्ट सां राब्तो। अदालत नोटिस वठी केस ख़ारिज करण जो हुकुम ॾिनो। सार वेझो तबलीग में शिरकत बाद वापसी दौरान दादू वासन सां भरियल बस हादसे जो शिकार। जोही जे हिकु ई कुटुंब जे 5 भातियुनि समेत 22 ॼणा फौत, 50 ॼणा ज़ख़्मी। फौतियुनि में गोठ खान मोहम्मद गारी वासी हिकु ई ख़ानदान जा 5 भाती हाफिज़ असद गारी, हाशिम गारी, परियल गारी, आसिफ गारी, निज़ाम गारी, आबिद पहवर, अली पहवर, जुनेद खोखर, एहसान शेख, निसार पहवर ऐं ॿिया शामिल। ज़ख़्मियुनि में मास्तर सूमर गारी, जान मोहम्मद गारी, घंवर गारी, यूसुफ़ अरुफ गारी, अब्दुल सत्तार गारी, अर्स मोहम्मद गारी, कुर्बान गारी, फारूक गारी ऐं ॿिया शामिल। असांखे मुल्की इदारनि जो दिफ़ा करणो आहे, इदारनि जो तहफ़ असां न कंदासीं त केरु कंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बरतरफ़ी केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल जा रिमार्क्स। वकील हामिद ख़ान चयो त शौकत सिद्दीकी सां जेको कुझु थी रहियो हो उन में उहो अवाम खे ॿुधाए बहादुरी जो मुज़ाहिरो कयो। जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो त इहा नई रिवायत क़ाइमु थी आहे त सभु कुझु अवाम खे ॿुधाए छॾियो। अवाम खे ॿुधाइणु बहादुरी न पर हथियार फिटा करणु आहे। सुप्रीम कोर्ट केस जी ॿुधणी अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करे छॾी। काज़ी अहमद भरसां मीर रुकन शाख मां ॿिनि मासूम भाइरनि जा लाश हथु। ॻोठ यातूर जे लांडी वासी 5 वरियनि जे असलम होथेपोटो जो 4 वरियनि जे हुसनैन होथेपोटो जा मण मिलिया। पुलिस ॿारनि जा मण इस्पताल मुंतकिल करे छॾिया। ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। ॿुधाए पियो वञे त ॿई भाइर गुज़िरियल ॾींहुं रांदि कंदे शाख में ॿुॾी विया हुआ। फौतियुनि जा मण घर पहुचण ते कोरा मची विया। नंगर पार्कर वेझो नीगर समेत 3 ॼणनि जा वण में टंगियल लाश हथु आया। ॻोठ साबूसण में 14 वरनि जे सते ॾिना ठकर जो वण में टंगियल लाश हथु। ॻोठ कुआड़ा में 40 वरनि जे पोयो भील जो फाहो खाधल लाश मिलियो। नौकिरी वेझो ॿिनि ॿारनि जी माउ मुबैना तौरु ज़हर पी ज़िंदगी जो ॾींहुं उझाए छॾियो। ॻोठ ख़ैर मोहम्मद आरेजा वासिन हुसूना ख़ातून जो लाश तालके अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद जी सिटीज़न कॉलोनी में ख़ानगी बैंक मां धाड़ो, मज़ाहिमत सिक्योरिटी गार्ड घुटारे क़तलु। पुलिस जो चवणु आहे त फोरू बैंक जा लॉकर टोड़े रोक रक़म खणी विया आहिनि। मज़ाहिमत ते 35 वरनि जे गार्ड शाहिद ख़ासकेली खे घुटारे क़तलु कयो वियो। बैंक मां केतिरो धाड़ो लॻो आहे हिन हवाले सां जांच कई पई वञे। साईं, तव्हां पोलियो छो न पीआरियो आहे? भई असांजा घर ठही विया आहिनि, हूअं ई ॿार मरनि था उस में। पोलियो हुननि खे पीआरण जेके छांव में वेठा आहिनि, असांजा त हूअं ई मरनि था। पीआरण जो फ़ाइदो न आहे। तव्हांजो हाणे छा मुतालबो आहे? असांजो मुतालबो आहे खरड़ा ठही विया आहिनि, ॿार हूअं ई उस ते मरनि था। असांखे घर बि ठही मिलनि ऐं असांखे इते ई बि जाइ ॾिनी वञे त असां रही रहूं। अच्छा, तव्हांजो इहो ई मुतालबो आहे? इहो ई मुतालबो आहे। कंहिंखां मुतालबो आहे तव्हांजो?
डीसी साहब को और जेके मिनिस्टर आने साजी शिकारपुर में। शिकारपुर में राइस वाजे कपड़न ते घर ड्राहण खिलाफ गोठाणन एहतजाज पोलियो मुहिम जो बायकॉट करे छड़ियो। इंतजामिया घर ड्राहे बेघर करे छड़ियो। बार सख्त गर्मी में हुआ भी मरी रहा हन। भली पोलियो जो शिकार थन था त भली थन। चंबड़ में गोठाणन पीण जे पानी की खोड़ ते पोलियो मुहिम जो बायकॉट कंदे सेहत खाते की टीमों के टियों भेरों वापस मोटाए छड़ियो। खानोट में औरत जो मुस से वेशाने तशद जो इल्ज़ाम। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकल थियल गोट खासाई वासिन शाहिदा इल्ज़ाम हयो तो मुड़स नशो डेई जबरदस्ती करण से गड जिसम के नाजुक हिस्सों से झेर दिना। होश में आयस तो मायट अस्पताल खड़ी आया। पुलिस लेटर डेई कोटरी मोकलो पर डॉक्टर सहकार न पाया कन। पुलिस जो चवण है तो जाल मुड़स में झेड़ो थी वो है जैसे पा में ठही वा। मेडिकल रिपोर्ट अचान बाद कार्रवाई कई वी। डहरकी वासी पोरियत होटल मालिक के मुबैना तशद खिलाफ़ टाइम न्यूज ऑफिस पहुंची वो। पोरियत मकसूद लगारे इल्ज़ाम आयो है उबावड़ो में जहूर रिंच होटल से कम कर होटल मालिक भैरन से गड़ी वेशाड़े तशद तस्लीम जो निशानो बनाया। मुतासिर नौजवान पारा इंसाफ न मिलने की सूरत में पान साड़न जो चिता। कोरवा वेझो गालायण की सख का मासूद नींगरी से मुबैना इज्तमाही ज्यादती। शक के बुनियाद से 31 जणा गिरफ्तार। गोठ उमर पसरियो में 8 वरन की नींगरी के जुल्म जो निशानो बनाया वो। पुलिस दावा कई है तो गिरफ्तार जवाबदारन में एक दोह जो एतराफ़ किया। ठठे में इज्तमाही बदफेली जो निशानो बढ़ल नींगर मफलूज पहुंची वो। कराची की जिना अस्पताल में नींगर जो ऑपरेशन किया वो। कुजरी अग जवाबदार नींगर के इज्तमाही बदफेली जो निशानो बनाने बाद वीडियो भरे वायरल कई हुई। वीडियो वायरल थे बाद नींगर इमारत तां ट्रपो दिनो हो। केस में नामजद एक जवाबदार मेहताब मल्हा गिरफ्तार है। डीएसपी ठठो की सरबराही में जांच कमेटी भी कायम। हिंगोर जा पुलिस जो कारनामो। चोरी इल्ज़ाम हेठ शहरन पारा सोगो कल जवाबदार लॉकअप में फरार। अहलकार में थर थलो। चार ढी अग शहरन जवाबदार सईद के पकड़े पुलिस हवाले कयो जेको लॉकअप में भगी वो। पुलिस जा जवाबदार की गिरफ्तारी के लिए छापा जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टाइम न्यूज़ से गड माहिया शाहिद सियाल। हेडलाइंस सवाल डिठियूं इतने वूँ शॉर्ट ब्रेक।